मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि एजेक्स क्या चीज होती है, बिकॉज एजेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन वेब टेक्नोलॉजी. जब हम वेब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एजेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो आई जस्ट स्टार्ट विद एजेक्स. एजेक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल. ओके, so the full form is asynchronous JavaScript and XML. Even though XML play a not even role here, यहाँ पर XML का कोई role नहीं है, but still because at that time when AJAX was introduced, that that time the XML technology was there. Okay, so that's why its name still going as a AJAX. Okay, so AJAX is not a programming language. अगर मैं आपको बता दूँ, ये कोई programming language नहीं है. It's just a combination of different technology. यहाँ पर हम HTML भी use करेंगे, CSS भी use करेंगे, JavaScript भी use करेंगे, jQuery use करेंगे और JSON भी use करेंगे. So it is combination of different technologies. Okay? Now the third and सबसे important जो part है इसका, it helps in fetching the data asynchronously. The word asynchronously का मतलब क्या होता है? जो भी data fetch होगा, वो background किससे होगा? So it will never interfere the existing page. जो हमारा पेज पे काम चल रहा है, ठीक है, उसका और जो डेटा आएगा उससे कोई लेना देना नहीं होगा. इट मीन्स द डेटा विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर इन एसिंक्रोनस मोड. दैट्स द मेन रीजन व्हाई द एजेक्स इज बीइंग अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी हियर. नाउ सो जब डेटा बैकग्राउंड से आएगा तो कोई भी पेज रिफ्रेश नहीं होगा, रीलोड नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट, जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं वो अब जेसन का यूज करती है, ना कि एक्सएमएल का फॉर डेटा ट्रांसफर. पहले एक्सएमएल के साथ डेटा ट्रांसफर होता था, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज एजेक्स. बट नाउ जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशन है, वो जेसन की फॉर्म में डेटा भेजते हैं. जेसन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर. ठीक है, उस फॉर्म में डेटा आपका ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन. ओके, नाउ एजेक्स जो करता है, एजेक्स यूज करेगा एक ऑब्जेक्ट का यूज करेगा, दैट इज नोन एज XML HTTP रिक्वेस्ट. XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. ओके, एंड जनरली वी कॉल्ड इट XHR. शॉर्ट फॉर्म में हम उसे XHR बोल देते हैं, टू अचीव एजेक्स कॉल. जब भी एजेक्स कॉल होगी, दैट ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड. ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम आज गूगल भी करेंगे तो गूगल भी इस XHR का यूज करता है इन ऑर्डर फॉर डेटा ट्रांसफर. ओके, so that is the basic introduction of AJAX. AJAX is asynchronous JavaScript and XML. It is basically to fetch the data asynchronously. Okay, and the page will never load or refresh. Okay, now next thing, before starts with the next part of this slide, I'll just explain ki AJAX ka fundamental concept kya hai. Abhi aap logo ko idea nahi hoga ki sir AJAX kya cheez hoti hai. So main ek chota sa example le raha hu. Main aapko फेसबुक पे लेके जा रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि फेसबुक था जहां पर एजेक्स का बहुत ज्यादा यूज आज भी हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज अ फेसबुक. ठीक है, इस फेसबुक के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, लाइक अगर मुझे यहाँ कमेंट करना है इस पिक्चर के ऊपर, ठीक है, इस पिक्चर के ऊपर मुझे कमेंट करना है, वो आई जस्ट कमेंट इज हैप्पी बर्थडे. ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, देखो आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा एंड डेटा विल बी एंटर्ड हियर. देखो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, यहां पर एक नया कमेंट सेक्शन बन गया जहां डेटा एंटर हो गया. ठीक है, सपोज मुझे और भी कुछ इसके अंदर एंटर करना है, सो आई जस्ट एड लाइक दैट. ठीक है, तो देखो इमोजीज भी एड. तो आप देखोगे पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा. ठीक है, जहां जहां चेंज होंगे, लाइक यहां पर पीयूष अग्रवाल का एक रिक्वेस्ट आया, अगर मैं इसको कंफर्म कर देता हूं तो आप देखोगे रिक्वेस्ट अगली आ गई इसकी जगह पे. ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं. ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो आपका पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा. ठीक है, दैट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एजेक्स. कि एजेक्स क्या करता है, डेटा तो आ रहा है पीछे से, बट वो डेटा बैकग्राउंड से आ रहा है. ओके, गेट इट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. सेम चीज मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं कि क्या चीज होती है. प्रीवियसली हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता था वो सिंक्रोनसली होता था. सिंक्रोनस का मतलब होता है बैक टू बैक, एक के बाद दूसरा, सीक्वेंस की फॉर्म में. ठीक है, देखो ये क्लाइंट है, इसने कुछ रिसोर्स की रिक्वेस्ट करी, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई. जब तक वो रिक्वेस्ट वापस क्लाइंट तक नहीं आती, तब तक आप जो आपका क्लाइंट होगा उसकी स्क्रीन होल्ड रही. आपने देखा होगा जब आपकी वेबसाइट लोड होती है, जब वो लोडिंग टाइम होता है तो उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते.
ठीक है, आप उस पेज पे कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी रिक्वेस्ट, ठीक है. लाइक आपको अकाउंट क्रिएट करना, तो जब तक जीमेल का पेज लोड नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. तो जनरली सारा टास्क जो होता है हमारा सिंक्रोनस होता है. बट अगर आपको टाइम बचाना है, सेव करना है अपने वेब पेज के ऊपर, तो आप क्या करते हो, एजेक्स कॉल करते हो. ठीक है, तो आप देखोगे दोबारा अगर पेज पे रिक्वेस्ट जा रही है तो फिर सर्वर पे जा रहा है, उस टाइम अगेन आपका पेज वेट करता है, और जब रिसोर्स वापस आता है तो आपका पेज रिफ्रेश होता है. ठीक है, दिस इज जनरल फिनोमिना जो वेब एप्लीकेशन पे होता है. बट एसिंक्रोनस के केस में क्या होता है, आपका जब रिक्वेस्ट जाती है तो एट दैट टाइम जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप बाकी काम भी कर सकते हो. जैसे मैंने अभी कमेंट किया, एट दैट टाइम मैं दूसरी जगह दूसरा पार्ट भी कर सकता हूँ. ठीक है, तो जो आपका एजेक्स होता है दैट विल बी एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस मींस इंडिपेंडेंट, वो अपना अलग काम कर रहा है, उसका जो रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है वो सर्वर भेजेगा, वो एजेक्स के थ्रू वापस आ जाएगी. ठीक है, एट दैट टाइम द क्लाइंट कैन डू सम अदर टास्क, यू कैन डू परफॉर्म सम एडिशनल थिंग्स. ओके, सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एजेक्स, दैट इज द वर्किंग ऑफ एजेक्स. ओके, नाउ एजेक्स को यूज करने के लिए देर आर सर्टेन मेथड्स टू इम्प्लीमेंट एजेक्स, एंड वी यूज लॉट्स ऑफ डिफरेंट मेथड लाइक डॉट लॉड, गेट फंक्शन, गेट जेसन, एजेक्स, पोस्ट. दीज आर द मेथड्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द एजेक्स इन टू योर वेब एप्लीकेशन. ओके, तो मैं इन सारे मेथड्स को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट एक्सप्लेन वट इज लोड मेथड. तो आप देख सकते हो द जेक्वेरी लोड मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड एंड वन ऑफ द पावरफुल एजेक्स मेथड. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने पेज के अंदर एक बटन लगाऊंगा, उस पर जब मैं क्लिक करूंगा आपका डेटा पीछे से लोड होगा, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा. ठीक है, दैट इज द मेन फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एजेक्स. एंड द लोड मेथड लोड्स डेटा फ्रॉम द सर्वर एंड पुट्स द रिटर्न डेटा इनटू द सिलेक्टेड एलिमेंट. डाटा सर्वर से आएगा, आके आपके एप्लीकेशन में जो भी आपने सिलेक्टर यूज किया होगा वहां पर जाके वो पेस्ट हो जाएगा. ओके, एंड द सिंटैक्स इज वी हैव टू यूज द सिलेक्टर जिसके ऊपर आपने लोड मेथड लगाना है. लोड मेथड को कॉल करोगे, देयर इज अ यूआरएल जहां से डेटा आएगा, एंड द डेटा एंड द कॉल बैक फंक्शन. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी परफॉर्म विद द थिंग्स. तो मैं इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि लोड मेथड कैसे काम करेगा. सो मैं आपको कोड पे लेके चल रहा हूँ. दिस इज अ टेम्पलेट, मैंने कुछ टेम्पलेट बना रखा है, तो मैं आपको एक बार ये टेम्पलेट दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा. ठीक है, ओके, सो दिस इज अ जेक्वेरी एजेक्स. यहाँ पर कुछ बटन्स बने हुए हैं. द फर्स्ट बटन इज फॉर द लोड मेथड, सेकेंड इज फॉर द गेट मेथड, जेसन मेथड एंड द सर्वर, जो एजेक्स कॉल होती है वो, दैट इज द सर्वर डेटा. तो यहाँ पर कुछ बटन बने हुए हैं, तो अभी आप बटन पे प्रेस करोगे नथिंग हैपेंड, क्योंकि कोई भी डेटा मैंने कोई जेक्वेरी लगाया नहीं कि डेटा फेच होगा. ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये काम हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते थे. एजेक्स जो है दैट कैन बी ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट. बट अगर आप ध्यान से देखें इस कोड को, ये देखो दिस इज अ कोड फॉर द जावास्क्रिप्ट. ओके, अगेन देखो यहाँ पर XHR यूज हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था दैट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज इन द एवरी एजेक्स कॉल. ठीक है, तो यहाँ गेट मेथड से कॉल हो रहा है, ये रिक्वेस्टेड URL है जिसके ऊपर कॉल जा रही है, वहां से डेटा आ रहा है, स्टेटस कोड चेक हो रहा है. ठीक है, सो यू सी देर आर लॉट ऑफ लाइन्स, बहुत बड़ा सा कोड है, एंड समटाइम इट कैन नॉट बी इजिली इम्प्लीमेंट द थिंग्स. ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल होता है. अब मैं आपको एजेक्स कॉल दिखा रहा हूँ. तो एजेक्स कॉल होती है, ये देखो द एजेक्स कॉल इज अ वेरी इजी वन. देखो आपका कुछ नहीं है, एजेक्स मेथड है, टाइप आपकी बताइए, गेट रिक्वेस्ट से जाएगा, यूआरएल कौन सा है, वैल्यू कैसे चाहिए, सीधा डेटा वापस आ जाता है वहां से, और सिंपली आप उसको लॉक कर सकते हो. ठीक है, ओके, सो दैट्स द रीजन मैंने आपको एजेक्स को जेक्वेरी से इंप्लीमेंट करा रहा हूँ, बिकॉज आपको पता ही जेक्वेरी इज अ वेरी लाइट वेट library, JavaScript library that contain lots of functions to perform the things. So one of the important thing that it can make easy the AJAX call. वो आपकी AJAX call को और easy बना देती है. Okay? Class यहाँ तक किसी को कोई doubt हो तो बताओ यार please. This is a fundamental introduction part. Okay. Kanishk कह रहा है कि ASPX क्या होता है? हाँ. ASPX is a basically an ASP. Active server pages, that is an extended page of
.NET जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है उसका पेज होता है ASPX, ठीक है, .NET का पेज होता है, ठीक है, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. तो मैंने एक पेज बना रखा है जहां पर मैंने jQuery इंक्लूड किया हुआ है, बूटस्ट्रैप इंक्लूड किया हुआ है, कंटेनर के साथ मैंने, और कुछ बटन्स लगा रखे हैं. दीज आर द बटन्स जो मैंने उसके ऊपर लगा रखे हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाए थे, ठीक है. नाउ उसके बाद ये लोडिंग डेटा है, इसके नीचे आपका सारा डेटा लोड होगा, ठीक है, जो एजेक्स के थ्रू फेच होगा, ओके. तो मैंने यहाँ चार अलग अलग डिव लगा रखे हैं बिकॉज मैं चार डिफरेंट तरीके से डेटा को फेच करूंगा, ठीक है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मेथड टू इम्प्लीमेंट द एजेक्स. सो आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट थ्री मेथड, आई थिंक फोर मेथड विद द हेल्प ऑफ एजेक्स, ठीक है. एजेक्स के चार मेथड मैं यूज करने वाला हूँ. देन देर इज अ फॉर्म, क्योंकि आप एजेक्स से डेटा भेज भी सकते हो. देर इज नो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप एजेक्स से डेटा कलेक्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो सेंड द डेटा बैकग्राउंड टू द सर्वर, ओके. जब भी आप डेटा भेजते हो, सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हो, डेटा विल बी सबमिटेड टू द सर्वर. बट आप वो डेटा बैकग्राउंड में भी भेज सकते हो सर्वर के पास. देर इज नो नीड टू कि आपको हमेशा सामने से ही भेजना है, ठीक है. दैट्स व्हाई मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है और उस फॉर्म के ऊपर मैं कुछ डेटा भेज रहा हूँ दूसरे मशीन को, ओके. नाउ दिस इज अ jQuery स्क्रिप्ट फॉर एजेक्स. सो दिस इज द प्लेस जहां पर मैं अपनी एजेक्स की कॉल्स को एग्जीक्यूट करूंगा, ओके. क्लास लेट्स स्टार्टेड, करें इसको स्टार्ट. चलो, सो द फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज दैट इज द लोड मेथड, ओके. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर एजेक्स कॉल. सो इसके अंदर एक चीज बताना चाहता हूँ. सो दिस इज अ फाइल, और एक फाइल मैंने और बना रखी, दैट इज कॉल्ड test.html. सो दिस test.html वो कहीं भी पड़ी हो सकती है, चाहे वो सर्वर में पड़ी हो सकती है, चाहे मेरी मशीन पे क्यों ना पड़ी हो. बट ये फाइल एक एक्सटर्नल रिसोर्स है, क्योंकि ये फाइल आपके पेज के अंदर इंक्लूड नहीं है. दिस इज एन एक्सटर्नल फाइल, और मैं इस फाइल को अपने पेज के अंदर एजेक्स की हेल्प से लोड कराऊंगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस test.html. मैंने बेसिकली कुछ एक हेडिंग लगाया और उसके नीचे पैराग्राफ लगा रखा है, ओके. नाउ मैं वापस चलता हूँ. नाउ फर्स्ट मेथड इज द लोड मेथड, और अगर आप लोड मेथड को ध्यान से देखें, तो दिस इज अ सिंटैक्स, ओके. सो फर्स्ट मैं उस बटन के पास चलता हूँ जो उसको कॉल करेगा. सो बटन जो हमने बना रखा है दैट इज लोड डेटा. तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके थ्रू इसको कॉल करता हूँ. सो मैं पहले सिलेक्टर ले लेता हूँ, एंड दैट इज लोड डेटा. इसको मैं क्लिक करूंगा तो आपका एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा, जनरली कॉल इट कॉल बैक फंक्शन, ओके. नाउ यहां पर मैं अपना लोड मेथड कॉल करूंगा. सो मैंने आपको दिखाया था लोड मेथड के अंदर सबसे पहले आपको सिलेक्टर लगाना पड़ेगा जिसके ऊपर डेटा को लोड करना है, एंड दैट सिलेक्टर इज दिस वन. ये जो मैंने फर्स्ट रिजल्ट वन बना रखा है दैट इज द फर्स्ट सिलेक्टर, ब्लैंक डिव है. इसके अंदर मैं अपना डेटा फेच करवाऊंगा, ओके. तो मैं इस रिजल्ट वन को कॉपी करता हूँ, यहां चलते हैं, एक सिलेक्टर क्रिएट करते हैं हैश के साथ, और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ लोड. और जब फंक्शन को लोड करूंगा, फर्स्ट आर्गुमेंट इज द URL जहां से डेटा फेच होगा. अब क्योंकि डेटा मेरे पास सेम फोल्डर में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो test.html मेरे इसी फोल्डर में पड़ी है जहां पर इंडेक्स पड़ी है, तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ. अगर ये किसी एड्रेस पे पड़ी होती तो आप डायरेक्टली उस एड्रेस का नाम लिख देते, ओके, या सर्वर मशीन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ test.html, ओके. नेक्स्ट, अगर आपको कोई डेटा भेजना है, ठीक है, अगर आपको कोई डेटा भेजना है, कुछ क्वेरी स्ट्रिंग भेजनी, तो वो भी आप भेज सकते हो. बट मुझे कोई नहीं भेजनी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, दैट इज अ कॉल बैक फंक्शन, ओके. दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन ना, यहाँ पर जो थर्ड आर्गुमेंट है दैट इज कॉल बैक, कि आप क्या करवाना चाहते हो जब आपका डेटा लोड हो जाए. तो मैं डाटा जब लोड करवा रहा हूं तो मैं कंसोल पे बताना चाहता हूं कि हाँ मेरा डेटा लोड हो चुका है, ठीक है. तो कंसोल को बताऊंगा मैं डेटा लोड हो चुका है. सो दिस कॉल बैक फंक्शन कैन हैव सम ऑप्शनल पैरामीटर. तो मैं कुछ ऑप्शनल पैरामीटर लिख रहा हूं, बट कुछ का यूज करूंगा, कुछ का नहीं करूंगा, वो आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहते हैं. फर्स्ट इज रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है, जो वहां से डेटा आ रहा है दैट इज नोन एज द रिस्पॉन्स टेक्स्ट. आप उसको डायरेक्टली कहीं प्रिंट भी करा सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो. सेकंड इज द स्टेटस टेक्स्ट, ठीक है,
कि क्या स्टेटस आया है, कि एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड स्टेटस टेक्स्ट. एंड थर्ड वन इज द XHR ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया था कि हर एक AJAX कॉल के अंदर XHR यूज होगा. ओके, नाउ यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि क्या जो आपका स्टेटस कॉल है, स्टेटस टेक्स्ट है, क्या वो सक्सेस है, क्या वो मिल गया उसको. अगर मिल गया है तो सिंपल कंसोल पे मैसेज डाल दो, डेटा लोड सक्सेसफुली. ओके, सक्सेसफुली. ओके, और अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है, लाइक मुझे स्टेटस कोड प्रिंट कराना है कि क्या स्टेटस कोड है, मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेटस कोड को कैसे चेक कर सकते हो. तो आप यहां यूज करोगे XHR एंड स्टेटस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस XHR. ठीक है, ओके. एल्स इफ योर स्टेटस कोड, इफ योर स्टेटस कोड इज हैविंग सम एरर, अगर आपके स्टेटस कोड में कुछ एरर आती है तो, ठीक है, उस केस में आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, उस केस में आप एक कुछ प्रिंट कराना चाहोगे, दैट इज कंसोल डॉट लॉग, आप मैसेज लिख दो देयर इज एन एरर. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो प्रिंट एरर स्टेटस कोड, कि क्या किस वजह से एरर नहीं एरर आई है. ठीक है, सो आई जस्ट यूज XHR, दैट इज द ऑब्जेक्ट. मैं आपको इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, स्टेटस टेक्स्ट. ठीक है, सो स्टेटस टेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस XHR ऑब्जेक्ट. ओके, सो हमारा यहाँ लोड फंक्शन आई थिंक कंप्लीट हो चुका है. मैं इसको सेव करता हूँ, वापिस चलते हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर अपना कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ कि अगर आपका डेटा लोड, और यहाँ पर आपका डेटा लोड भी होगा, ध्यान से देखना. तो थोड़ा सा इसको हम उधर करते हैं. ओके, तो मैं लोड बटन पे क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखना. ओके, ये देखो, ये सारा डेटा लोड हुआ है. एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप देखोगे ये चीज रिफ्रेश नहीं होगी. जब डेटा लोड होगा, आप इस पॉइंट पे ध्यान से नजर रखना. मैं आपको एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, काइंडली मेक फोकस ऑन दिस लोकेशन. इस लोकेशन पर ध्यान से रखना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, कि क्या ये चीज रिफ्रेश हो रही है या नहीं हो रही. ओके, जस्ट जस्ट उस पर कंट्रोल देख के रखना इसको. ओके, मैं लोड पे क्लिक कर रहा हूं, क्या आपका पेज रिफ्रेश हुआ है. क्लास क्लास प्लीज टेल मी, पेज रिफ्रेश हुआ है. ओके, नाउ आपका यहां पर मैसेज क्या आ रहा है, डेटा लोड सक्सेसफुली, और दिस इज द 200 मींस, आपको याद होगा देर आर सम वेब एप्लीकेशन के कोड्स होते हैं, दैट इज नोन एज स्टेटस कोड. ओके, सो मैं आपको अब आपका नेटवर्क खोल के दिखाता हूं. देखो, यहां पर आपने नेटवर्क पे क्लिक करना है, एंड दिस इज द रिसोर्स यू हैव रिक्वेस्टेड. ये वो रिसोर्स है जिसकी आपने रिक्वेस्ट किया था. ओके, सो आप देख सकते हो, जनरली जितने भी रिसोर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो गेट मेथड से कॉल होते हैं, जब तक आप उसको खुद से आपको, अगर कोई आप डेटा नहीं भेजना चाहते, दैट इज बाय डिफॉल्ट द गेट मेथड. ठीक है, एंड अगर आप रिस्पॉन्स चेक करें, दिस इज द रिस्पॉन्स, दिस आर द हेडर्स जो आए हैं. ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं, आप देखोगे दिस इज XHR, मैं जो आपको बता रहा था ना, व्हाट इज XHR, सो दिस इज द XHR. आई जस्ट फोकस ऑन दिस. ठीक है, ये आपका XHR, जो भी आपकी AJAX कॉल होंगी वो हमेशा XHR से होंगी, याद रखना. ठीक है, एंड दिस इज अ रिक्वेस्टेड रिसोर्स जो आपने मांगा था. अब आप ध्यान से देखना, मैं जो मैंने रिक्वेस्टेड रिसोर्स मांगा है, हो सकता है वो रिसोर्स वहां पर ना हो. तो मैं क्या करता हूँ, अपने कोड पे चलता हूँ, और जो मेरा रिक्वेस्टेड रिसोर्स था उसको मैं चेंज कर देता हूँ. ठीक है, जो मेरा रिसोर्स था उसका नाम चेंज कर देता हूँ, फॉर दिस इज test1.html. नाउ दिस कोड विल नॉट बी, दिस फाइल विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द मशीन. तो क्या होगा, वापिस चलते हैं. यहाँ पर मैं फिर से लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगेन यू विल सी दिस विल द पेज विल नॉट बी रिफ्रेश. और जब मैं लोड पे क्लिक करता हूँ, मैं कंसोल पे चलता हूँ, एंड इट विल शो देर इज एन एरर. एंड आपको पता है देर इज एन एरर कॉल्ड 404. 404 का मतलब क्या होता है,
the requested resource is not available on that server machine. Okay, so I let's check. So again, यहाँ पर भी 404 दिखा रहा है, XHR call है, और यहाँ पर भी आपका again the message is 404 not found. ठीक है, so resource उसको नहीं मिला. So जब resource नहीं मिलता तो आपके पेज पे कोई impact नहीं पड़ा. Generally क्या होता है, अगर रिसोर्स नहीं मिलता तो आपका पूरे पेज पे कुछ मैसेज लिखा आता है कि एरर द फाउंड नॉट फाउंड, बट आप देख सकते हो आपके पेज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज दिस इज एन एजेक्स कॉल, और एजेक्स की कॉल वजह से आपका पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ. जब पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, इट विल नॉट इम्पैक्ट योर एफिशिएंसी. ओके क्लास, कोई डाउट है प्लीज टेल मी. Yeah, class, please. Okay, so I think this will be clear. So हमारा load method यहाँ अगर आपको clear हो गया तो मैं आगे चलता हूँ. Okay, so मैं एक बार इन सारी formattings को clear कर देता हूँ. Okay, now let's move to the next call, that is called the get method call. ओके okay? अभी जो हमने पढ़ा है that is called load method, जहाँ पर आपका resource load हो जाता है, और बहुत easy method है, बहुत सिंपल मेथड है, जस्ट कॉल दैट लोड मेथड. ठीक है, और उसके बाद जो मैंने कॉल बैक लिखी वो तो एक्स्ट्रा है, उसको अगर आप छोड़ दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द रिसोर्स इज लोडेड. बट सिर्फ आपको क्लाइंट को पता तो चल जाए हाँ भी रिसोर्स लोड नहीं हुआ, उसका रीजन क्या था. ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने कॉल बैक लगाया था, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दैट कॉल बैक. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज जस्ट गेट मेथड. सो देयर आर टू मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू गेट द रिसोर्स, यूज्ड टू request the resource from the server, and one is called HTTP get method and another is called HTTP post method. Post method में क्या होता है, जब आप user से request कर रहे हो किसी resource की, और आप अगर कोई data भेजना भी जाते हो server के पास, so you have to use the post method. Okay, I think these are the fundamental things you are already aware of that. So I'm just starting with get method. The syntax is $.get URL जो आपको requested resource चाहिए, and then callback. Okay, now let's implement this code. So मैं यहाँ चलता हूँ नीचे, and I'm going to implement the second method, that is get method. Okay, class, please take it seriously, because इस lecture के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है. I have to बहुत study करनी पड़ी, क्योंकि ये implementation अगर आपको नहीं समझ आई तो I think आपको AJAX समझ ही नहीं आ पाएगा. So इसको मैंने समझाने के लिए पूरी मेहनत करी है. So just focus on the things. अगर किसी को भी doubt आता तो मुझसे immediately पूछ ले. Okay, now get method को call करने के लिए मैं दूसरे button का code लिखता हूँ. That is उस पे चलते हैं. तो पहले मैं selector लिखता हूँ, and then okay. So, I'm audible, class. Just tell me, I'm audible. Yes, sir. So next is get data method, जहाँ पर मैं get data button को call कर रहा हूँ, and this is the name of that button. ठीक है, so मैं इसके ऊपर click event लगा रहा हूँ. ठीक है, so just click event, और इसके ऊपर मैं function लगा रहा हूँ, that is a callback, और इसके अंदर मैं अपना गेट डेटा मेथड को लगाऊं. तो बड़ा इजी है, यू हैव टू यूज $.get. ठीक है, आपको गेट मेथड लगाना है. इसके अंदर दो चीजें जाएंगी, फर्स्ट इज द यूआरएल. ठीक है, सो द यूआरएल इज अगेन मैं टेस्ट को ही कॉल कर रहा हूं, उसके बाद मैं अगले फंक्शन में आपको कुछ अलग से करके ले जाऊंगा. आई एम अगेन कॉलिंग द HTML. ओके, और अगर डेटा मिल जाता है देन जस्ट कॉल द कॉल बैक फंक्शन. ठीक है, और इसके अंदर आप अपना डेटा भेजोगे. ठीक है, तो मैंने एक डेटा बना दिया. ओके, नाउ अब आपने गेट से कॉल किया टेस्ट डॉट एचटीएमएल को, अगर डेटा मिल गया तो वो डेटा किसमें आ जाएगा, इस डेटा में आ जाएगा. और इस डेटा को मैं कहां प्रिंट कराने जा रहा हूँ, सेकंड वाली लाइन जो डिव है उसके अंदर पेस्ट करवा रहा हूँ. सो आई थिंक दैट इज इजी टास्क. आप लोगों को पता है कैसे आप लगा सकते हो, यू हैव टू फाइंड द सिलेक्टर. तो सिलेक्टर इज रिजल्ट टू. ठीक है, डॉट एच टी एम एल.
आई थिंक अगर आपको कुछ भी कंटेंट डालना है तो आप सबसे इजी तरीका है एचटीएमएल, और एचटीएमएल के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द सेकंड इजीएस्ट मेथड टू इंप्लीमेंट द एजेक्स कॉल. सो आई थिंक दैट्स करेक्ट. लेट्स सी द आउटपुट. आउटपुट पे चलते हैं. ओके, सो मैं यहाँ गेट डेटा को कॉल कर रहा हूँ. ओके, सो आप देख सकते हो पूरे का पूरा डेटा आ गया. ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ. आप ध्यान से देखो अगेन, चेक द रिफ्रेश बटन. ठीक है, आपको रिफ्रेश बटन को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कोई हलचल तो नहीं है. ओके, सो दिस इज द थिंग. मैं जैसे गेट पे कॉल करता हूँ, ओके, रिफ्रेश बटन विल नॉट बी एक्टिव. तो वो रिफ्रेश नहीं हुआ, तो इट मीन्स आपका डेटा लोड हो रहा है. देखो वैसे अगर रिफ्रेश करोगे तो कुछ ऐसा आता है. ठीक है, ठीक है, आप देखते हो ऊपर वाला पेज भी रिफ्रेश होता है. दिस इज द रिफ्रेश. ठीक है, बट आप जब गेट डेटा को कॉल करोगे इट विल नॉट बी रिफ्रेश. ये रिफ्रेश नहीं होता पेज. ओके, सो दिस इज अ सेकेंड मेथड दैट इज कॉल्ड गेट मेथड. ओके, सो अंडरस्टैंड क्लास. अगले मेथड पे चले. अगला मेथड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम जेसन को कॉल करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे. सो मैं वापस लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट गेट जेसन, मुझे एक जेसन की फाइल बनानी पड़ेगी. एंड मैं आपको अब जेसन की फाइल दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है. इट इज वेरी मच इजी, बिल्कुल बहुत इजी सा. क्योंकि जनरली क्या होता है, अब आपका डेटा जब चाहे आप MongoDB यूज करो, चाहे वेब की कोई भी एप्लीकेशन यूज करो, वहां पर आपका डेटा सारा इसी फॉर्मेट में पड़ा होगा. नेक्स्ट सेमेस्टर में हम जब MongoDB स्टार्ट करेंगे तो यू विल सी द एंटायर डेटा विल बी स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर. दिस इज अ की वैल्यू पेयर, की सेपरेटेड बाय कोलन, दैट इज कॉल्ड जेसन डेटा. ओके, सो मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ जेसन डेटा बना रखी है. दिस इज फर्स्ट जेसन डेटा, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड 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 एनक्लोजिंग इन टू अ लिस्ट. मैंने इसको लिस्ट में एनक्लोज किया हुआ. सो दिस इज कॉल्ड अ जेसन ऑब्जेक्ट. द एंटायर इज अ जेसन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड जेसन डेटा. ओके, नाउ मैं इस डेटा को फेच करूंगा विद द हेल्प ऑफ एजेक्स कॉल. And you will see your page will not be refreshed whenever I'll try to fetch the data from this JSON file. So again, this is an external file, the external resource. I'm trying to get this external resource using the AJAX, and the data will be back to the client in a background mode, in a asynchronous mode. Okay. So let's start it. So I'm going to go to the end of this script, and I'm going to start with the third method, that is get json. okay, method. okay, so क्या करना है, मैं अगेन सिलेक्टर कॉपी करता हूं जिसके ऊपर मुझे json लगाना है. ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस इज json data. पटन का नाम है, मैंने रखा था json data. okay, let's correct it. एक बार देख लेते हैं, that is json data. okay, so मैं इस json data पे जा रहा हूं. क्लिक किया, मुझे डेटा चाहिए. एंड द फंक्शन फॉर जेसन डेटा इज सिलेक्टर, जिसके ऊपर आपको चाहिए डॉट गेट जेसन. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, सिंपल गेट जेसन को कॉल करता हूँ. ठीक है, गेट जेसन. ओके, नाउ आफ्टर दैट यू जस्ट पास द फाइल नेम, द रिसोर्स नेम, द यूआरएल नेम. सो माय रिसोर्स नेम इज यूजर्स डॉट जेसन, ऊपर लिखा हुआ है यूजर्स डॉट जेसन. So I just mentioned users.json. Okay, and I'll just pass the callback function which will try to implement this JSON to your data. So main yahan par function call kar raha hu. Okay, aur is function ke andar main apna data pass kar raha hu jo mujhe JSON se mila. Okay, now aap dhyan se dekh sakte ho jo JSON data hai, it is a combination of बहुत सारे इसके अंदर डेटा है, फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, फोर्थ डेटा. तो जेसन को एक्सेस करने के लिए, जेसन को यूज करने के लिए, क्योंकि एक डेटा तो है नहीं, अगर एक डेटा होता तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं, बट देर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट डेटा. सो अगेन दिस इज एन एरे, और यू कैन से दैट दिस इज एन लिस्ट. सो इन ऑर्डर टू अक्वायर ईच एंड एवरी डेटा यू जस्ट यूज अ रेपिटेटिव स्ट्रक्चर.
सो हम यहाँ पर मैं jQuery की एक रेपिटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ईच. ओके, ईच मतलब हर एक रिकॉर्ड के लिए आपका ये फंक्शन कॉल होगा, एंड आई एम पासिंग डेटा, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे, जिस डेटा को मुझे आइट्रेट करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ. एंड फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी द इंडेक्स, तो मैं एक आई लगाता हूँ जैसे हम अपने लूप में लगाते थे. एंड सेकेंड इज द वेरिएबल नेम, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, लेट्स सी यूजर. ओके, एंड दिस इज अ फंक्शन कॉल, तो मैं यहाँ चलता हूँ. तो ये क्या करेगा, हर एक डेटा को वन बाय उसके इंडेक्स आई से एक्सेस करेगा, एंड यूजर इज द यूजर आई, यूजर जीरो, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, ठीक है. सो यूजर इज द वेरिएबल नेम एंड आई इज इट्स इंडेक्स वैल्यू. ओके, नाउ अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहां पर एक ऊपर जाओगे तो मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रखी है. सो मैं जितना भी मेरा जेसन डेटा होगा वो मैं लिस्ट की फॉर्मेट में अंदर स्टोर कराऊंगा. ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसके सिलेक्टर को कॉल कर लेता हूं, एंड सिलेक्टर इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, और लिस्ट का नाम मैंने रखा था, जस्ट चेक, यूजर्स. तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूं, बिकॉज वो आईडी के साथ लगा हो तो मैं ये लगा रहा हूं डॉट. अच्छा, लिस्ट के अंदर डेटा डालने का क्या मेथड होता है, क्लास मैंने लास्ट क्लास में हमने किया था, हाउ टू एड डेटा इनटू द लिस्ट यूजिंग द मेथड कॉल, प्लीज क्लास टेल मी. हमने कल ही ये मेथड किया था, रिप्लाई प्लीज फास्ट, व्हाट इज द मेथड टू एड डेटा इनटू द लिस्ट क्लास, कोई है वहां पर, प्लीज रिप्लाई. कनिष, यार नहीं यार, एड मेथड नहीं होता यार, हमने कल ही किया था ये मेथड. चलो, दैट इज कॉल्ड अपेंड. अपेंड मींस अपेंड द डेटा टू द एलिमेंट, ठीक है. सो आई एम यूजिंग द अपेंड, और इस अपेंड के अंदर मुझे क्या डालना है, एलआई डालना है, ठीक है. तो मैं इसको एलआई से क्लोज भी कर रहा हूं, और इसके अंदर मुझे अपना डेटा डालना है, ठीक है. तो डेटा डालने के लिए आई यूज डबल कोट, और इसके अंदर मैं दो प्लस यूज करूंगा, इसके बीच में कंकैटिनेट करके अपने डेटा को डाल दूंगा. एंड आई जस्ट वॉन्ट, ये आपका वेरिएबल है तो इसको आप कॉपी करोगे, और मुझे क्या चाहिए, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम को उठाऊंगा. तो मैं फर्स्ट नेम को यहां से कॉपी करता हूं, इसके की को, और यहां पेस्ट कर दूंगा डॉट के साथ, ठीक है. तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट को उठाएगा और उसका फर्स्ट नेम प्रिंट कर देगा. सो डेटा विल बी फेच फ्रॉम द जेसन यूजिंग द एजेक्स टेक्नोलॉजी. ओके, तो मैं इसको सेव करता हूं, लेट्स सी कि हमारा काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस जेसन डेटा. ओके, तो आप देख सकते हो सारे नाम आ चुके हैं. लेट्स सी हमारा डेटा कौन कौन सा था. सो यू विल सी फर्स्ट नेम इज सचिन, मनीष, मुकेश, लक्ष्मण, बनवारी काका. ओके, सो हमारा सारा डेटा उसने फेच किया. अगर आप एज वेल चलते हैं, ठीक है, अगर आपको लास्ट नेम उठाना है, लगता दोनों उठाने हैं, तो आप जेसन पे क्लिक करोगे, उनके लास्ट नेम आ चुके हैं. ओके क्लास, तो हमने जेसन से भी डाटा उठा लिया. नाउ द नेक्स्ट एंड द फाइनल कॉल इज द एजेक्स कॉल, द एजेक्स मेथड. ओके, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द एजेक्स मेथड. सो एजेक्स के अंदर सिर्फ आपको एजेक्स मेथड से कॉल करना है, एंड द एजेक्स मेथड इज बेसिकली यूज फॉर एसिंक्रोनस एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एंड इट इज द डिफॉल्ट मेथड दैट विल बी कॉल्ड इन एवरी एजेक्स कॉल. जब भी आप एजेक्स कॉल करेंगे, दिस इज द डिफॉल्ट मेथड दैट विल बी ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड. ओके, सो लेट्स कॉल द एजेक्स मेथड. तो हम वापिस कोड पे चलते हैं. ओके, नीचे चलते हैं, एंड दैट इज द मेथड नंबर 4, एजेक्स मेथड. So I'm just writing into a Ajax
method. Okay. So let's पहले उस button को target करते हैं जिसके ऊपर हमने click event लगाना है. So I'm just using the selector and the name is I think server data. Server data. क्योंकि मैंने इसको server से मंगा रहा हूँ. Server data. Yes, this is the server data. आपको लगता है कि मैं इतना सब कुछ याद क्यों है? Because I have implement a lot of time. ऐसा नहीं होता लेक्चर देने से पहले बिना तैयारी के मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ. I do a practice a lot, do a research a lot. क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मुझे आपके लिए कंटेंट भी तैयार करना है एज वेल एज द प्रैक्टिकल पार्ट. ओके, सो आई एम जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द क्लिक फंक्शन. ठीक है, इस पर कॉल बैक लगाते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द एजेक्स कॉल. ओके, नाउ वन थिंग मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर एजेक्स कॉल लगानी है. ठीक है, तो आई थिंक मैंने क्लास आपको एक जब हमने जे क्वेरी स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक जे क्वेरी का एक एक्सटेंशन डलवाई थी क्योंकि दैट विल बी हेल्पफुल इन दिस सर्वर. क्योंकि मैंने देखा था बहुत चीजें उसमें लिखनी पड़ती है तो समटाइम आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द थिंग्स. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली यहाँ लिखूंगा एजेक्स. तो यहाँ पर मुझे जे क्वेरी एजेक्स लिखा आ रहा है. तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा पूरे का पूरा एजेक्स तैयार होकर मिल गया. ठीक है, तो अगर आपने एक्सटेंशन डाल रखी तो दैट इज बेटर. अगर आपको एक्सटेंशन नहीं पता तो यू कैन राइट इन योर ऑन वे, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट इज द मेथड. बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो एजेक्स होता है वो गेट मेथड से कॉल होता है, तो आई एम यूजिंग गेट बिकॉज मैं कोई डेटा नहीं भेज रहा सर्वर के पास. सो नाउ यूआरएल, इसमें क्या कर रहा हूँ, अभी तक जो मैंने जेसन लिया था वो कहाँ से लिया था, वो मैंने अपना खुद का डेटा बनाया था. नाउ आई एम कलेक्टिंग द ह्यूज डेटा. अब आप देखोगे यहाँ पर तीन चार डेटा थे बट अब मैं पूरे 100+ डेटा को कलेक्ट करूंगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक पेज पे लेके जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड जेसन प्लेस होल्डर. जेसन प्लेस होल्डर इट विल हैविंग सम डमी डेटा. यहाँ पर बहुत सारे डमी डेटा पड़े होते हैं. तो अगर आप नीचे जाएंगे रिसोर्सिस के अंदर, नीचे आपके पास गेट के साथ, क्योंकि मैं गेट के साथ कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब आप पोस्ट पे क्लिक करोगे, ये देखो मैं पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, सो यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ डेटा. अब मुझे इतना सारा डेटा लिख नहीं सकता तो मैं इस डेटा को यूज कर रहा हूँ. सो दिस इज अगेन एन एक्सटर्नल रिसोर्स, ये एक्सटर्नल रिसोर्स है. सो मैं इसके एड्रेस को कॉपी करता हूँ और जहां मेरा मेथड है, जहां मैंने यूआरएल लिखा हुआ, इसकी जगह यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. सो इट विल कलेक्ट ऑल द डेटा, all the objects, all the JSON objects from this location. Data मुझे कोई भेजना नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ. Data type, that is JSON. मैं JSON data वहां से मंगा रहा हूँ. Response, किस में होगा, मैं response मतलब वहां से क्या आ रहा है, data आ रहा है, तो मैं इसका नाम data रख लेता हूँ. Okay, so this will be your function call. This will be your function call. Okay, call back function. So अगर आपका data वहां मिल जाता है तो it will just जस्ट कंसोल, मैं चेक करता हूँ कि कंसोल पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ डेटा इसको कंसोल पे भेज देता हूँ. ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग, बड़ा आसान सा तरीका है. सो मैं यहाँ पर डेटा पे क्लिक किया, अब देखते हैं. सो कंसोल पे आपका डेटा चला जाएगा. सो चेक करते हैं वहां पर कितना डेटा पड़ा हुआ है. सो वापिस चलते हैं एजेक्स के ऊपर. नाउ मैं यहाँ पर कंसोल को कॉल कर रहा हूँ. ओके, नाउ व्हेन आई क्लिक दिस सर्वर बटन, लेट्स थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं. ओके, नाउ जब मैं इस सर्वर पे क्लिक करूंगा, अगेन यू विल कीप योर आईज ऑन द पेज दैट इट शुड नॉट बी, यहाँ पर आप इस पे आईज लगा के रखोगे कि ये चीज रिफ्रेश नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जस्ट कीप ऑन योर आईज ऑन दिस पेज. ओके, नाउ आई क्लिक द सर्वर बट डाटा. सो उस सर्वर के ऊपर, उस एक्सटर्नल रिसोर्स के ऊपर जितना भी जेसन डेटा पड़ा हुआ सारा उठ के यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, कंसोल पे आएगा. अभी मैं कंसोल पे लिख रहा हूं तो आप देख सकते हो द ह्यूज डेटा, दिस इज अ वेरी ह्यूज डेटा. ये सारा वो डेटा है जो वहां पर वेबसाइट के ऊपर पड़ा था. देखो कितने डेटा है, आई थिंक देयर आर 100 ऑफ जेसन वैल्यूज फ्रॉम दैट इज फेच फ्रॉम दैट एक्सटर्नल रिसोर्स. ओके, अब फर्स्ट एक्शन को उठाते हैं सन सेंट. तो आप देख सकते हो वहां पर फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेम ही होगा, दिस वन द आईडी विद द वन. ठीक है, और जो मुझे रिसोर्स मिला है
जो मेरे jQuery ने पिक किया है दैट इज ऑल्सो हैविंग द ID 1, ओके, सो इट विल गेट एक्सटर्नल JSON वैल्यू, ओके, ना मुझे मिल तो गया है, अब मुझे इसमें से यार सारा डेटा नहीं चाहिए यार, इतना बड़ा डेटा मैं अपने पेज पे थोड़ी लेकर आऊंगा, तो फर्स्ट मैं इसको फेच करता हूँ अपने पेज के ऊपर, अभी तो मैंने लॉक किया है, तो लेट्स फेच इट ऑन द पेज, सो अगेन मैं यहाँ पर फिर से इसको आइट्रेट करूंगा, तो मैं यहाँ पर डॉट ईच मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम पासिंग फर्स्ट डेटा, ठीक है, और फंक्शन को बोलता हूँ भाई इसको आइट्रेट कर, ठीक है, आइट्रेट के अंदर मैं एक आई भेज रहा हूँ और एक वेरिएबल भेज रहा हूँ जिसका नाम मैं पोस्ट रख देता हूँ, ओके, अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आई विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर दिस टॉपिक, ओके, बिकॉज द लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है सम टाइम, वी हैव जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट, ओके, नाउ आई हैव टू बी डिस्प्ले द डेटा, सो मेरे पास एक रिजल्ट 4 बना हुआ है, रिजल्ट 3 जहां पर मैं अपना डेटा पेस्ट कराऊंगा, सो अगेन मैं यहां गया, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, सॉरी, ठीक है, रिजल्ट 3 हैविंग द हैश वैल्यू, और मैं यहां पर इसको अपेंड कर रहा हूं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जो आपका टाइटल था उसके अंदर, जेसन के अंदर देयर आर टू थिंग्स, वन इज टाइटल एंड अनदर इज द बॉडी, टाइटल एंड दिस इज द बॉडी पार्ट, ठीक है, तो मैं इसको फेच करूंगा दोनों चीजों को, तो पहले को मैं H3 के अंदर फेच कर लेता हूं, ठीक है, H3 के अंदर मैं क्या फेच करूंगा, जो हमारा कमेंट था ये जैसे पोस्ट, तो मैं इसको पोस्ट जो मैंने वेरिएबल यूज कर रहा हूं पोस्ट डॉट टाइटल, ओके, और एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो फेचिंग बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, ठीक है, सो अगेन डबल कोट्स एंड आई एम कंकैटिनेटिंग द थिंग्स दैट इज पोस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, सो लेट्स सी, मैं इसको सेव करता हूं, वापिस चलते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई विल क्लिक ऑन द सर्वर, जस्ट लुक एट द पेज, इज इट रिफ्रेशिंग और नॉट, सो मैं सर्वर पे क्लिक करता हूं, बिकॉज डेटा बहुत ज्यादा है, टेक अ स्लाइटली मिनिमम टाइम, ओके, सो आप देख सकते हो मेरा सारा डेटा आ गया वहां से, ओके, बहुत सारा डेटा है, ठीक है, सो इफ यू वॉन्ट टू जस्ट लिमिट द डेटा, आप यहां पर एक और स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, यहां पर इफ आई इक्वल टू 3, मुझे सपोज मुझे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो अगर आई की वैल्यू 3 हो जाती है तो रिटर्न फॉल्स, ओके, तो आप देख सकोगे यहां पर सारा डेटा नहीं आएगा, थोड़ा सा डेटा आएगा, 1, 2, 3 डेटा इसने पिक किए, इवन दो अगर आप इसको उसमें देखोगे कंसोल पे देर आर 100 ऑफ रिकॉर्ड्स, तो मैंने उस 100 ऑफ रिकॉर्ड्स में से सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स में से सिर्फ 3 पिक किए हैं, तो द टाइटल विल बी द अबव पार्ट एंड देन देयर विल बी अ पैराग्राफ पार्ट, सो यू विल सी जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, अगेन मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, आप देखोगे पेज आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा, योर पेज इज नॉट बीइंग रिफ्रेश्ड, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे आप यहां पेज रिफ्रेश हो रहा है, बट मैं सर्वर पे क्लिक करता हूं, सर्वर डेटा पे, योर डेटा इज फेच्ड in a asynchronous mode, okay, now last but not least I'm just posting the data to the server, okay, so main isko band karta hu, I think all the methods have been cleared, okay, just remove the drawing part, okay, now let's perform the final call, that is post the data, post method, a post method will post the data background in a background mode, okay, so there is a form, maine yahan ek form bana rakha hai, the form name is post form, aur ye data kahan post kar raha hai, usi location pe post kar raha hai jahan se isne data uthaya tha, means I just want to add some more data in that location, but wo data wahan jayega nahi because we don't have a access right to राइट द डेटा ओवर देयर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं इसको कंसोल में पेस्ट कर दूं, सो द नेम इज द नेम ऑफ द फॉर्म इज पोस्ट फॉर्म, मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूं तो डेटा विल बी स्टोर ओवर देयर, ओके, सो मैं यहां पर कॉल लगाता हूं,
सिलेक्टर यूज करता हूँ. ओके पेस्ट ए, सो द नेम ऑफ द फॉर्म इज पोस्ट फॉर्म. ओके तो यहाँ गया. इस पोस्ट फॉर्म को जब मैं सबमिट करूं देन देर विल बी अ कॉल. ओके दैट विल बी अ फंक्शन कॉल. ओके सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जब आपका डेटा पोस्ट हो यहां से सबमिट बटन पर, तो ये जो डेटा होगा ये कहां जाएगा, उस लोकेशन पे जाने की कोशिश करेगा, ये वाली लोकेशन पे जहां पर मैंने डेटा कलेक्ट किया था. बट I just don't want to send because अभी ऐसा थोड़ी है, मैं सर्वर पे, मेरे पास सर्वर मशीन का एक्सेस नहीं है उस मशीन का. सो आई एम सेंडिंग द डेटा टू द कंसोल. ओके सो मैं अभी के लिए सबमिट बटन को डिसेबल कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट पासिंग ई एंड आई एम जस्ट यूज मेथड कॉल्ड ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट. सो इट विल नॉट सेंड द डेटा. ओके नाउ जो भी इसके अंदर डेटा होगा मैं यहाँ से फेच करना चाहता हूँ. सो पहले मैं यहाँ से डेटा उठा लेता हूँ. सो डेटा उठाने का मेथड आप सभी को पता है. I'm going to create a variable title और उसका डेटा मैं कहां से फेच कर लूंगा, इस टाइटल से फेच करूंगा. सो द टाइटल आई डी इज, टाइटल आई डी इज टाइटल इट सेल्फ. या ओके सो मैं यहां चलता हूं डॉलर आई डी इज टाइटल और यहां से इसकी वैल्यू पिक कर लेता हूं. ओके सिमिलरली मैं दूसरे वाले बॉडी की वैल्यू उठा लेता हूं. बॉडी बॉडी. ओके नाउ थर्ड थिंग इज मुझे यूआरएल चाहिए जिसके ऊपर डेटा भेजना है. ओके क्लास टेल मी हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस यूआरएल. मुझे इस यूआरएल की वैल्यू उठानी है, कैसे उठा पाऊंगा. Tell me, जो मुझे इसका आंसर देगा आई डेफिनेटली गिव एडिशनल 5 मार्क्स इन अ TA. मैं ऐसा अभी नाम उसका लिखूंगा और उसका मार्क्स. मुझे एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगी. विशाल कह रहा है अगर डेटा डिफरेंट यूआरएल से लेना तो डिफरेंट से यार उसका वहां का उसका यूआरएल डाल दो, वहां से उठा लेगा. अगर आपने किसी भी मशीन पे रखा हुआ डेटा वहां से उठा लेगा, किसी भी मशीन से उठा सकता है. आपका डेटा होना चाहिए ना, चाहे वो आपकी HTML फाइल हो, चाहे JSON हो, चाहे एक्सटर्नल रिसोर्स. मैंने आपको यहाँ दो तरीके बताए हैं, डेटा आपकी मशीन पे पड़ा हुआ है और डेटा किसी और की मशीन पे पड़ा हुआ है. तो मैंने दो मेथड से दोनों अलग अलग दिखा दिए आपको. और इस मेथड में मैंने जो सर्वर डेटा है तो मैंने किसको एक्सटर्नल रिसोर्स से आपको दिखाया. ओके कार्तिक ने आंसर दिया बट दैट इज रॉन्ग. ओके कृष्णा, कृष्णा पूरा आप मुझे पूरा बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर. आधा अधूरा, आधे अधूरे से आधे नंबर मिलेंगे. कृष्णा इज राइट बट आई जस्ट वॉन्ट द एग्जैक्ट स्टेटमेंट हियर. मुझे यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि मुझे उसके अंदर डेटा मिल जाए. सपोज मैं लिखता हूँ वेर यू आर एल इक्वल्स टू, सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट हियर. यहाँ पर क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए बताओ, जल्दी बताओ, बोल के बता दे. कृष्णा इतना टाइम नहीं है यार. चलो कृष्णा नहीं बता रहा, उसको सिर्फ एडिशनल सिर्फ 2.5 मार्क्स फालतू मिलेंगे. ओके दिस डॉट एट्रीब्यूट एक्शन, मैंने एक्शन एट्रीब्यूट लगा रखा है ऊपर. तो एक्शन से क्या मिल जाएगा, मुझे उसका वैल्यू मिल जाएगी यूआरएल की. ठीक है मैंने बताया था ना आपको किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालनी रहती है तो आपको एट्रीब्यूट मेथड यूज करना है. तो मुझे मिल गया. नाउ मैं यहां पर पोस्ट मेथड को कॉल कर रहा हूं. पोस्ट इसके अंदर क्या भेजूंगा, सबसे पहले यूआरएल, दूसरा जाएगा मेरा डेटा. डेटा कैसे फॉर्म में जाएगा, की वैल्यू पेयर में. तो फर्स्ट इज टाइटल, उसका डेटा कहां से आ रहा है, इस टाइटल से आ रहा है. तो मैं यहां पेस्ट कर दूंगा इसको, कोमा बॉडी, क्योंकि आपको याद है जो हमने वहां से डेटा उठाया है पोस्ट से एक्सटर्नल रिसोर्स से, उसके अंदर यही एट्रीब्यूट है. तो बॉडी का डेटा बॉडी से उठाएंगे. ओके नाउ आई एम कॉलिंग द कॉल बैक फंक्शन जो डेटा भेजेगी वहां पर. ठीक है इसके अंदर मैं डेटा पास कर रहा हूं और इस डेटा को मैं कंसोल कर देता हूं. और कंसोल डॉट लॉग
डेटा पोस्टेड, ओके। और क्या डेटा पोस्ट हुआ है, आई जस्ट चेक, यहां पर मैं डाल देता हूं डेटा, ओके। सो दिस पोस्ट मेथड विल सेंड द डेटा इन अ बैकग्राउंड टू द दैट मशीन, बट बिकॉज वी डोंट हैव द एक्सेस राइट ऑफ दैट मशीन, तो मैं सिर्फ उसको कंसोल कर रहा हूं। तो अगर आपको कंसोल पे डेटा दिखा तो इट मीन सर्वर पे भी जाएगा, अगर वहां पर हमें वहां पर उसका एक्सेस मिलेगा तो। सो अगेन मैंने कंसोल को ओपन किया, मैं यहां डाटा डालता हूं, टाइटल है jQuery, सॉरी फुल स्टैक लास्ट लेक्चर, ओके, एंड द बॉडी इज थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन, ओके। आई थिंक दैट इज ओके, सो आई एम जस्ट सबमिटिंग द डेटा, लेट्स सी देखा जा रहा है कि नहीं जा रहा, ओके, डेटा जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट रिफ्रेश द पेज, ओके, आई विल जस्ट चेक कहाँ गड़बड़ है। फंक्शन के अंदर मैंने ई भेजा और उसको मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया, मतलब प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया है, तो स्टिल इट्स सेंडिंग, अभी प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं चला, ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पोस्ट फॉर्म के आगे हैश नहीं लगा रखा था यार, ओके, पोस्ट फॉर्म के आगे हैश नहीं लगा रखा था, बिकॉज इट इज एन आईडी, आई थिंक दैट्स अ रीजन डेटा पोस्ट नहीं हो रहा था। सो अगेन दैट्स राइट, लेट्स एबीसी एक्सवाईजेड, लेट्स चेक, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यस डेटा इज पोस्टेड, ओके, मैसेज आ गया डेटा पोस्टेड, दैट इज माई फॉल्ट, मैंने वहां पर हैश नहीं लगाया था फॉर्म के आगे, बिकॉज दैट फॉर्म इज आईडी, एन आईडी, सो आई हैव टू बी राइट। सो मैं यहाँ पर कुछ और डाटा भेजता हूँ, लेट्स सी, फुल स्टैक लास्ट लेक्चर, ओके, सो थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्जाम, ओके, so let's see, submit, okay, now you will see the body, thanks for your cooperation students, and full stack last lecture, okay.